अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज़ सेंटर को आप सभी का स्वागत है। चक्रवाती तूफान निवार से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन तूफान ने अपने आने से पहले ही जिस तरह का उत्पात मचाया, खासतौर पर तमिलनाडु के कुछ इलाकों में और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में, वो सड़कों पर देखा जा सकता है। तेज हवाओं ने कई पेड़ उखाड़ दिए, यातायात पर असर पड़ा। एनडीआरएफ ने पूरी तैयारी कर ली है। क्या है तूफान से संबंधित सारे अपडेट्स आपको आज की इस रिपोर्ट में देंगे। इसके अलावा बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों की, जो कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे। इसमें बताया गया है कि लॉकडाउन राज्य सरकारें लगा सकती हैं, लेकिन सिर्फ कंटेनमेंट जोन में। और क्या कहा गया दिशा निर्देशों में, यह भी विस्तार से बताएंगे। बात करेंगे बिहार की भी, जहां लालू प्रसाद यादव का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। इसमें वो एनडीए के एक विधायक को खरीदने की कोशिश करते हुए दिखे हैं। क्या है पूरा मामला, आपको यह भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं चक्रवाती तूफान की। चक्रवाती तूफान निवार विकराल रूप धारण करने वाला है, जिससे निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एनडीआरएफ के महानिदेशक ने कहा है कि हमारा प्रयास है कि किसी भी प्रकार का नुकसान होने से बचाया जा सके। चक्रवात के प्रभाव से कई जगह तेज बारिश होने और आंधी आने से पेड़ उखड़ गए हैं, जिससे यातायात पर असर पड़ा है। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने चक्रवात के मद्देनजर लोगों की सुरक्षा के लिए गुरुवार को चेन्नई, वेल्लोर, कुडालोर, विल्लुपुरम, नागापट्टिनम, तिरुवरूर, चेंगलपेट, कांचीपुरम समेत 13 जिलों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। बुधवार को पहले ही अवकाश घोषित किया जा चुका था। मौसम विभाग द्वारा जारी बुलेटिन में कहा गया है, चक्रवाती तूफान के अति विकराल रूप धारण करने की आशंका है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 25 नवंबर की रात या 26 नवंबर तड़के तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच कराईकल और मामल्लापुरम तट से टकराने की आशंका है। तूफान की गति 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जो बढ़कर 145 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। चक्रवात के प्रभाव से चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में रात भर बारिश हुई और निचले स्थानों में जल जमाव हो गया। उधर चक्रवात निवार के मद्देनजर पुडुचेरी सरकार का कहना है कि प्रशासन किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। केंद्र शासित प्रदेश में चक्रवाती तूफान के कारण मंगलवार रात से रुक रुक कर मध्यम बारिश हो रही है। बुधवार को उपराज्यपाल किरण बेदी ने एक वीडियो संदेश में निवासियों से घर के अंदर रहने की अपील की। उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि जहां भी जरूरत हो वहां के लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। उन्होंने कहा, पूरा सरकारी तंत्र आपकी सेवा में है और सुरक्षा के लिए सरकार के निर्देशों पर ध्यान दें। पुडुचेरी क्षेत्र में लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। चेन्नई को देखा जाए तो 2015 की बाढ़ का सबक याद है, इसलिए 90% भर चुके चेंबरम बाकम डैम के गेट खोल दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि पहले फेज में डैम से 1000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। बांध का पानी अडियार नदी में जाएगा, इसलिए नदी इलाके के निचले इलाकों जैसे कुंद्रातुर, सिरुकलाथुर, तिरुमुडीवक्कम और तिरुनीरमलई में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उधर केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने भी अलर्ट जारी कर चेन्नई एयरपोर्ट पर सतर्कता बरतने को कहा है। इस बीच तूफान के मद्देनजर दक्षिण पश्चिम रेलवे ने गुरुवार के लिए निर्धारित कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसके अलावा चेन्नई से आने और जाने वाली 26 उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा है कि 26 नवंबर को गणित विज्ञान और रसायन विज्ञान की आयोजित यूजीसी नेट 2020 परीक्षा उन सभी परीक्षा केंद्रों के संबंध में अगली सूचना तक स्थगित कर दी गई है जो पुडुचेरी और तमिलनाडु में स्थित हैं। This cyclone Nivar is the first cyclone of the this season, this half of the season. Earlier we have had cyclones in the summer part of the season where we had Amphan and Nisarg. But Nivar cyclone, which is an Iranian name, has built up in the last 24 to 48 hours. And it has transformed from a deep depression to a severe cyclone to now predictably a very severe cyclone as per the IMD. The message that was the consensus message everywhere between the states and the central agencies was that in any case we should go for a zero casualty approach. That should be our focus. So when we have no loss of life, then we should focus on property and you know
keep the systems up and running. There are 19 teams in Tamil Nadu, 6 teams in Pondicherry, and 7 teams in Andhra Pradesh. Overall, 30 teams are totally committed to it, and whatever is balanced has been kept in reserve. So, as I was saying, it will be not only before the cyclone, but during the cyclone and after the cyclone that we have to be very proactive. अब बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय की, जिसने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं, लेकिन निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी तरह का लॉकडाउन लगाने के पहले केंद्र से विचार विमर्श करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिसंबर के लिए निगरानी, रोकथाम और सावधानी दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि निर्देश का मुख्य लक्ष्य देश में कोविड-19 के खिलाफ मुकाबले में जो कामयाबी मिली है उसे बनाए रखना है। रणनीति की बदौलत ही देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। दिशा निर्देश में कहा गया है कि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हाल में मामलों में बढ़ोतरी, त्यौहार के मौसम और ठंड की शुरुआत को ध्यान में रखते हुए यह जोर दिया जाता है कि महामारी की रोकथाम के लिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है और रोकथाम के लिए निर्धारित रणनीति का कड़ाई से पालन करना होगा। मंत्रालय ने कहा कि रोकथाम की रणनीति में निगरानी और अन्य उपायों पर ध्यान होना चाहिए और गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP का कड़ाई से पालन होना चाहिए। मंत्रालय ने कहा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थिति के अपने आकलन के आधार पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदी लागू कर सकते हैं। दिशा निर्देश में कहा गया है, हालांकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें केंद्र सरकार के साथ विचार विमर्श किए बिना निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन राज्य, जिला, उपसंभाग या शहर के स्तर पर नहीं लागू करेंगी। दिशा निर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे। अब बात करते हैं जरा बिहार की। राष्ट्रीय जनता दल के जेल में बंद अध्यक्ष लालू प्रसाद पर बिहार में NDA के विधायकों की खरीद फरोख्त का प्रयास करने और नवगठित नीतीश कुमार सरकार को गिराने का आरोप लगने के बाद राज्य में राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार रात सनसनीखेज दावा किया कि लालू प्रसाद के पास जेल में मोबाइल फोन है, जिसके माध्यम से वह NDA के विधायकों को फोन कर रहे हैं। उन्होंने अब एक ऑडियो क्लिप जारी की है, जिसमें राजद सुप्रीमो और भगवा दल के एक विधायक की कथित बातचीत है। सुशील मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 1.5 मिनट की क्लिप साझा की, जिसमें लालू प्रसाद को अपने अंदाज में पीर पैंती के विधायक ललन कुमार से बातचीत करते सुना जा सकता है। ऑडियो में लालू प्रसाद को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि हम आपका ठीक से ख्याल रखेंगे, आप विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव में NDA उम्मीदवार को हराने में हमारी मदद कीजिए। ऑडियो में विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करने में अपनी दिक्कतों को बता रहे हैं, जिस पर लालू प्रसाद कहते हैं, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, हमारा अपना विधानसभा अध्यक्ष होगा, हम इस सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाते ही आपको पुरस्कृत करेंगे। भाजपा विधायक ने ऑडियो क्लिप की पुष्टि की और कहा कि सुशील कुमार मोदी की मौजूदगी में बातचीत हुई, जिसका भान संभवतः RJD सुप्रीमो को नहीं था। ललन कुमार ने संवाददाताओं से कहा, मैं सुशील कुमार मोदी के साथ बैठक में था जब मेरा निजी सचिव आया और सूचित किया कि मेरे मोबाइल पर लालू प्रसाद का फोन है। मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन सोचा कि कई अन्य लोगों की तरह उन्होंने चुनावी जीत पर बधाई देने के लिए फोन किया होगा। विधायक ने कहा, वह काफी वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। वह सरकार गिराने की बात करने लगे, मैंने उन्हें बताने का प्रयास किया कि मैं पार्टी के अनुशासन से बंधा हुआ हूँ। फोन बीच में रोकते हुए मैंने सुशील मोदी को सूचित किया। सुशील मोदी ने मंगलवार की रात ट्वीट कर दावा किया कि उन्होंने RJD सुप्रीमो को फोन कर गंदे तरीके अपनाने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने अपने पार्टी के नेता विजय कुमार सिन्हा के विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने पर उन्हें बधाई देते हुए कहा, लालू प्रसाद का षड्यंत्र विफल हो गया। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने विधानसभा परिसर में संवाददाताओं से कहा कि वह झारखंड सरकार से कहेंगे कि मामले का संज्ञान लें और जरूरत पड़ने पर इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के लिए केंद्र से संपर्क करें। वरना इस प्रकरण पर RJD ने चुप्पी साध रखी है और आरोपों से अभी तक इनकार नहीं किया है। इस बीच झारखंड के जेल महानिरीक्षक वीरेंद्र भूषण ने रांची में कहा कि जिला प्रशासन की अनुमति से लालू प्रसाद रिम्स निदेशक के बंगले में रहते हैं। रांची जिला प्रशासन
लालू प्रसाद के आगंतुकों और उनसे जुड़े अन्य मुद्दों पर निर्णय करता है। सोशल मीडिया में चल रही क्लिप के बारे में वीरेंद्र भूषण ने रांची में कहा, हम इसे देखेंगे और अगर कोई सच्चाई मिलती है तो हम उप जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मामले की जांच करने और कानून सम्मत कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। तो अब आपके मन में भी इच्छा हो रही होगी कि लालू प्रसाद यादव का वह ऑडियो सुन लिया जाए, तो जरा आपको यह ऑडियो भी सुनाई देते हैं। हेलो, हाँ प्रणाम, विधायक जी बोल रहे हैं? उनका पीए बोल रहे हैं सर। हाँ दीजिए तो साहब बात करें मैं, माननीय लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी? जी रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाए लाइन। हाँ दे रहा हूँ। हेलो जी, कहाँ से सर? रांची से। अच्छा अच्छा हेलो जी, प्रणाम सर, साहब बात कर रहे हैं जी। हाँ पासवान जी, बधाई जी, प्रणाम, चरण स्पर्श आपका। ठीक है, खुश रहे, खुश रहे जी। अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे, वहाँ अब बने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ तो पार्टी में नहीं सर, मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना, पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, कोरोना हो गया था फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का ऑब्सेंट हो जा तुम पासवान जी, आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर। ठीक है ठीक, ऑब्सेंट हो जाओ ठीक है।